अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे ऑटोकैड सिविल ड्राफ्टमैन कोर्स के बारे में। तो इस कोर्स के बारे में काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे, कि आप इसके बारे में वीडियोज़ बनाएं। हालांकि मेरे चैनल पर पहले भी इसकी वीडियोज़ पड़ी हैं, तो मैंने ये समझा कि इसकी शायद ज़रूरत है, इसलिए मैंने दोबारा ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ऑटोकैड सिविल ड्राफ्टमैन बेसिकली है क्या? ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोडेस्क कंपनी ने बनवाया था। CAD, ऑटो का मतलब कंपनी है, ठीक है। कैड एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। इसकी ट्रेनिंग हम लोग यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं, रावलपिंडी शमशाबाद। तो अगर आप ऑटोकैड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं पहले इसका आपको बैकग्राउंड बता दूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे घर, प्लाजा या किसी रोड वगैरह के नक्शे बनते हैं। एक होता है 2D, 2D नक्शा, एक होता है 3D, 3D नक्शा। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी विजिट करें या कॉल करके इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, मैट्रिक के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इस कोर्स का हम 2 माह दौरानिया है यूनाइटेड कॉलेज में, 2 माह हम ट्रेनिंग करवाते हैं प्रोफेशनली, जिसमें 2D, 3D, एक मकान का फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन, की प्लान, साइट प्लान और एक्सीवेशन वगैरह, और मुकम्मल उसकी जो है डिटेल वाइज रिमार्क्स हम लोग सारा सिखाते हैं। तो अगर आप ऑटो कैड 2D 3D कोर्स करना चाहते हैं, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, तो आप जो है वो यूनाइटेड कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ज़रूर विजिट करें, या आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके इसके कॉन्टेंट के बारे में मज़ीद डिटेल से डिस्कशन कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, 0340-7255-262। उसके बाद हमारी वेबसाइट है www.unitedcollege.com.pk। तो ये हमारी लोकेशन रावलपिंडी शमशाबाद में हमारा एडमिशन ऑफिस है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टेक्निकल कोर्सेज के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अल्लाह।